अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। आज हमने चैप्टर 14 स्टार्ट करना है। चैप्टर 14 है डीजेनरेसी एंड प्लुरालिटी इन सिंप्लेक्स मेथड। इसमें हम डीजेनरेसी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप की डीजेनरेसी यानी कि कितने टाइप के एरर्स यानी सिंप्लेक्स मेथड को डीजेनरेट करते हैं यानी उसको उसको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलता हमें। ठीक है, कितने ऐसे मेथड्स हैं। दो तरह की वेरिएशन एग्जिस्ट करती है हमारे लिए प्रोग्रामिंग मेथड के सिंप्लेक्स मेथड में, एक डीजेनरेसी और दूसरी डुअलिटी। तो डीजेनरेसी क्या है? डीजेनरेसी वो कहता है व्हाइल सॉल्विंग ओवर एलपीपीज या सिंप्लेक्स प्रॉब्लम द फॉलोइंग सिचुएशंस में अराइज। क्या क्या सिचुएशन आ सकती हैं? पहली सिचुएशन वो आपको बता रहा है, पहली सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक टाई आ जाए। टाई का क्या मतलब है कि हमारे पास किसी भी दो रोज के दरमियान, कोई सी दो रोज के दरमियान यानी दो की रोज के दरमियान या की रोज के लिविंग बेसिस के जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास ये हैव इक्वल मिनिमम रेशियो। अब दो तरह का आ सकता है, वो कहता है बिटवीन टू और मोर बेसिक वेरिएबल्स फॉर लिविंग बेसिस
लिविंग बेसिस के लिहाज से, यानी कि रोज चूज करते हुए आपके पास चाय आ जाए, और की रो चूज करते हुए आपके पास की कॉलम और की रो चूज करने के टाइम पे आपके पास दो वैल्यूज में टाई आ जाए, यानी आपको उनमें से कोई एक चीज चूज करनी है, ठीक है? उनमें से क्या चूज करना है, कोई एक चूज करना है। और दूसरी तरह की ये है कि वन और मोर वेरिएशन इन द सॉल्यूशन वैल्यूज, यानी एक से ज्यादा वेरिएशन वेरिएबल जो है हमारे सॉल्यूशन वैल्यूज वाले उसमें कॉलम में मे बिकम इक्वल टू जीरो, यानी हमारे सॉल्यूशन वैल्यू के कॉलम में जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी एक का जो कॉलम है वो जीरो हो जाए। यानी आपको पता है कि हम आपको याद हो तो हम जब टेबल बनाते हैं तो हमारे पास जो टेबल है उसमें हमारे पास हर एक वेरिएबल के नीचे एक एक कॉलम बनता है जो कॉन्स्टेंट का होता है, तो उस कॉन्स्टेंट वाले कॉलम का जो कॉलम है किसी बेसिक वेरिएबल का वो जीरो हो जाए, आइडेंटिटी होने की जगह वो जीरो हो जाए पूरा का पूरा कॉलम, ठीक है? तो ये दो सिचुएशन है। अब इन दो सिचुएशन को भी फर्दर जब हम डीजेनरेसी की टू केसेस फॉर डीजेनरेसी इन सिंपलेस्ट मेथड, डीजेनरेसी में ऊपर एट द इनिशियल टैबलो और एट एन सबसीक्वेंट इक्वेशन, अब ये किसी इक्वेशन पे भी हो सकती है किसी इनिशियल टैबलो पे भी हो सकती है, ठीक है? अब इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमें मजीद सब सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है? अब उन सब सेक्शन में हमें सबसे पहले ड्यू टू बील्स साइकिलिंग के बारे में बताया गया। बील्स साइकिलिंग एक ऐसा साइकिल है जिसमें अगर एक इक्वेशन में हमारे पास एक वेरिएबल लीव करके गया और एक एंटर हुआ है तो अगले इक्वेशन में बिल्कुल दूसरा आ रहा है और दूसरा लीव कर रहा है तो उससे नेक्स्ट में दोबारा वही आ जाएगा जो पिछले इक्वेशन में लीव किया था। यानी यहाँ पे जरा इस पैराग्राफ्स को जरा डिटेल में पढ़िए। हाँ जी, पढ़ रही है पैराग्राफ। यस मैम, समझ आया। यस मैम, यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स जो हम शुरू से सिलेक्ट करेंगे अगर उनकी जगह जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है वो मतलब पहले एक वेरिएबल आएगा उस एंटर होगा मतलब वो लीव कर जाएगा, फिर जब दूसरे नंबर पे आएगा फिर दूसरा आ जाएगा, लेकिन तीसरे नंबर पर जो थर्ड लास्ट है वो दोबारा आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि साइकिल चलता जाएगा लेकिन हमें कोई सॉल्यूशन कोई खास हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला लेकिन यही साइकिल चलता रहेगा। हाँ जी, यही साइकिल चलता रहेगा, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये भी एक तरह की डीजेनरेसी है। ऊपर दो टाइप्स बताए गए हैं, ये भी उसकी एक मतलब यूं समझ लें सब सेक्शन में से एक आ जाती है। अब इसको रिजॉल्व करने का भी उसने तरीका बताया हुआ है। वो कहते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए दो स्टेप्स को हम दो रूल फॉलो करते हैं। पहला कि हम जो कोफिशिएंट्स हैं स्लैक वेरिएबल्स के, ठीक है, जो स्लैक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है इन द सिंपलेस्ट टैबलो व्हेन डीजेनरेसी इज डिटेक्टेड बाय द कोरिस्पोंडिंग पॉजिटिव नंबर्स ऑफ द की कॉलम इन द रो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको कहता है हमने डिवाइड कर देने हैं कोफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल्स को किसके साथ, हमने की कॉलम बाय करस्पोंडिंग पॉजिटिव नंबर ऑफ की कॉलम के साथ डिवाइड कर देने हैं, ठीक है, हर रो के करस्पोंडिंग वैल्यूज को, ठीक है? और फिर स्टार्ट कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना है, ठीक है, बारी बारी हम उसको ये काम करेंगे, ठीक है? हमने पूरे की कॉलम्स और रोज के साथ ऐसा काम करना है। फिर उसके बाद वो कहता है द रो विच कंटेन्स द स्मॉलेस्ट रेशियो कंपेयरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कॉलम दस बिकम्स द की रो, जिसकी कम से कम स्मॉलेस्ट हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू सबसे कम हो उसे हम की रो कहते हैं।
मैम ये यहाँ पर स्लैब की बात हो रही थी, इसका मतलब ये है कि हम पूरी जो रो है उसके वेरिएबल को नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ स्लैब का कोएफिशिएंट होगा सिर्फ उसी को हम की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। जी, जहाँ जहाँ डीजेनरेसी आएगी, यानी जिसकी वजह से आ रहा है, जिन स्लैब वेरिएबल्स की वजह से वो डीजेनरेट हो रहा है या वो बीन साइकिल चल रहा है, उनको हम उनके करस्पोंडिंग जो हमारे पास की कॉलम आएगा उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। लेकिन मैम यहाँ पर स्लैब वेरिएबल लिखा हुआ है, यहाँ पर सरप्लस क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम अपनी जितनी भी ग्रेटर देन वाली वैल्यूज भी इक्वेशन होती हैं, तो आपका जो बुक वाला है वो लेस देन इक्वल टू वाले को स्टैंडर्ड मान रहा है कॉन्स्टेंट्स में, तो जितना ग्रेटर देन इक्वल भी आता है तो उसको भी लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करके सॉल्व करता है। लेकिन मैम जो सम कंडीशन आती है जहाँ पर हमें बिग एम और टू फेज मेथड लगाना पड़ता है, वहाँ पर तो हम यही आर्टिफिशियल यूज करते हैं और सरप्लेक्स यूज करते हैं, और जहाँ पर ग्रेटर, जहाँ पर मतलब राइट हैंड साइड पे अगर माइनस वैल्यू आने लगे तो हम फिर वो यूज नहीं करते, फिर वहाँ पर फिर उसमें केसेस आ जाते हैं ना कि हमारे पास साइकिल किसकी बिना पे नहीं चल रहा, मैक्सिमम वो स्लेक को जाता है, अगर स्लेक नहीं होगा तो सरप्लस होगा, वो हमारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है कि है कौन कौन से। आगे जहाँ हम टाई की बात करते हैं ना, वहाँ पे वो हमें वेरिएबल्स का बताता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स में टाई आए, तो आपने कौन से वेरिएबल को सफिशिएंसी देनी, मतलब उसको प्रेफरेंस देनी है कि कौन सा लेंगे, कौन सा प्रेफर करेंगे इन दोनों में से। ओके मैम, थैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट है डीजेनरेसी ड्यू टू टाई बिटवीन बेसिक वेरिएबल्स फॉर लीविंग द बेसिस। अब लीविंग द बेसिस के लिए हमारे पास है, तो लीव करने के लिए हमारे पास दैट मीन्स की रो में आ रही है, की रो लीव करती है ना, जब हम की रो सिलेक्ट करते हैं तो हमें yes, पता चलता है कि ये वाला ये वाला है। हाँ, तो हम यहाँ से पता करते हैं कि की रो में अगर हमारे पास आता है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए तरीका जो हमें है वो टेबल में दिया गया है, इस टेबल में। ठीक है, इस टेबल में वो कहता है कि हमारे पास जो की रो है, मैम रोटेट कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ रोटेट लेफ्ट यहाँ पर लिखा हुआ। तो कहता है अगर हमारे पास पेयरिंग आ जाए कि की रो में प्रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होंगे, अगर तो एक आर्टिफिशियल और एक वेरिएबल, एक स्लैक वेरिएबल भी अगर आपके पास आ जाती है, ठीक है, अगर आपके पास एक आर्टिफिशियल एक स्लैक वेरिएबल में अगर आपके पास टाई आता है तो आप आर्टिफिशियल को चूज करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल डिसीजन में टाई आता है तो आप आर्टिफिशियल चूज करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल में कोई सा भी आर्बिट्रेरीली आप चूज कर सकते हो। स्लैक और डिसीजन में से स्लैक चूज करना है, सरप्लस और डिसीजन में से सरप्लस, स्लैक और सरप्लस में से आपने सरप्लस चूज करना है, स्लैक और स्लैक आ जाए तो आप आर्बिट्रेरी, यानी दोनों सेम आ जाए तो आर्बिट्रेरी आप कोई भी चूज कर सकते हैं, चाहे वो डिसीजन हो स्लैक हो, आर्टिफिशियल हो सरप्लस हो। ठीक है, अब इसी इन्हीं चीजों को उसने एक टेबल के साथ मेंशन किया है। टेबल यहाँ टेबल देख सकते हैं आप लोग, वो कह रहे हैं टाई टाई, यानी आर्टिफिशियल 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 आ जाए तो आर्बिट्रेरी, स्लैक सरप्लस या आर्टिफिशियल आ जाए तो आर्टिफिशियल, डिसीजन और आर्टिफिशियल आ जाए तो आर्टिफिशियल, यानी एक मैट्रिक्स के तौर पे उसने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज कर सकते हो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपका आर्टिफिशियल आ रहा है तो आप आर्टिफिशियल चूज करोगे, आर्टिफिशियल नहीं आ रहा तो आपकी नेक्स्ट प्रेफरेंस होगी कि आप स्लैक या सरप्लस चूज करो, अगर वो भी नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट फिर आप डिसीजन चूज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको सबसे पहली प्रेफरेंस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की है कि वो लीव करें, सेकंड प्रेफरेंस आपकी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स की है कि वो लीव करें, और थर्ड में लास्ट में जाके आपकी डिसीजन वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है,
अगर आप इस तरह से चूज करो किसी भी टाई के दरमियान, तो आपका जो मेथड है, मतलब आपका जो आगे सिंप्लेक्स मेथड है, उसमें डीजेनरेसी की जो कंसेप्ट आ जाता है, या जो सॉल्यूशन में इनफिजिबिलिटी आ जाती है, वो कम से कम आएगी। ठीक है, ओके मैम। बट ये बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डुअलिटी के लिए भी हम अप्लाई करके उसको कर सकते हैं कि हम डुअल प्रिंसिपल लगाएं, तो जब हम पढ़ेंगे तो तब हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिया है, वो कहता है यूज डीजेनरेसी प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। अब डीजेनरेसी प्रिंसिपल को सॉल्व करना है, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, उसने सारे वेरिएबल्स यानी सबसे पहले उसने सब कॉन्स्टेंट्स तो किया है, फिर यहाँ पे देखो की रो के दरमियान टाई आ गया, तो की रो के दरमियान ये जो टाई आया है, अब वो इसको किस तरह से सॉल्व कर रहा है। अगर अब देखो दोनों के दोनों स्लैक वेरिएबल, दोनों के दोनों हमारे पास स्लैक वेरिएबल आर्बिट्रेरी करेंगे, स्लैक वेरिएबल जो मर्जी आर्बिट्रेरी करेंगे, हाँ जो मर्जी चूज कर लो। ठीक है, और इसके अलावा एक और काम भी यहाँ पे आ रहा है, वो कहता है एज देयर इज अ टाई फॉर द आउटगोइंग वेरिएबल डीजेनरेसी इज इंडिकेटेड, देयरफॉर वी यूज द डीजेनरेसी रूल्स बाय रीअरेंजिंग टेबल 1 वेरिएबल्स S1 एंड S2 आर ब्रॉट टू लेफ्ट एंड एक्स एंड वाई टू द राइट इन द बॉडी मैट्रिक्स। हम इसका एक और तरीका भी है, ये जो डुअलिटी वाला प्रिंसिपल है ना, ये बेसिकली ये हमें कहता है, अब इसमें एक तो ये है कि आर्बिट्रेरी चूज करें, ठीक है, दूसरा हमारे पास एक प्रिंसिपल है डुअलिटी प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि अगर आपकी इस तरह से डीजेनरेसी आ जाती है तो आप डुअल और प्राइमल प्रॉब्लम को रीअरेंज कर सकते हो। तो डुअल और प्राइमल को अगर मैं यहाँ से जस्ट इस टेबल से जब हम डुअल पढ़ेंगे तब भी आप इसको बड़ा ब्रीफली देखोगे, लेकिन अगर जस्ट यहाँ से हमें बताना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो हमारे S1 और S2 है, इन्हें हम फर्दर पहले ले आएंगे और x और y की वैल्यूज को हम बाद में ले जाएंगे। ये जब आप प्रिंसिपल डुअल करेंगे तब आप इसको देखेंगे भी, ठीक है, तब हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा ब्रीफली एग्जाम्पल और ब्रीफली इसको देख लेंगे। ओके मैम, क्या? यस मैम, नेक्स्ट आपको एग्जांपल इलस्ट्रेशन 14.2 दे रहा है। ठीक है, अब इस 14.2 में वो आपको कुछ आपकी जो कंडीशन होती है वेरिएबल्स के ऊपर, वो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू की नहीं बल्कि जीरो से लेके एक फिक्स नंबर तक की है। ठीक है, तो भी साथ ले रहा है, तो फिर इसके बाद ये सॉल्व कर रहा है, तो इसमें हमारे पास टाई आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल आर्टिफिशियल और स्लैक वेरिएबल के दरमियान मैम आर्टिफिशियल चूज करेंगे, फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल चूज करेंगे, हाँ जी ये वाला चूज कर लेंगे, हाँ तो ये हमारा की कॉलम बन जाएगा और हमारा आर्टिफिशियल लीव कट जाएगा, तो यहाँ से ये इंटायर कॉलम भी हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर रहेगा जैसा पहले था। बाकी फिर पैसे ही प्रोसीजर, फिर जब आगे आ जाता है अगर टाई तो फिर देखेंगे। मैम 14.2 एग्जांपल की समझ नहीं है, 14.2 एग्जांपल में कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट उसने ये किया हुआ है कि आपके अगर की रोज के दरमियान टाई आ जाए तो आपने उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, तो जस्ट आपने वही करना है कि उनमें से जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ था ना कि हमने दो वेरिएबल्स में से कौन सा प्रेफरेंस रखनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस आर्टिफिशियल को है, सेकेंड हमारी स्लैक और सरप्लस को है, और थर्ड डिसीजन वेरिएबल को है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने चूज कर लेना है कि हमारा कौन सा हम कौन सा की रो चूज करेंगे, उसके जो जब चूज कर लेंगे तो उसके साथ बिल्कुल बाकी का मेथड बिल्कुल सिंपल सिंप्लेक्स मेथड की तरह करना है। अगर कहीं दोबारा की रो में टाई आ जाएगा तो वही मैट्रिक्स यूज करना है। अब अगर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अगर की कॉलम में टाई आ जाए, ठीक है, इनकमिंग वेरिएबल्स में टाई आ जाए, तो फिर इस टाई को कैसे चूज करेंगे। वो कहता है अगर ये टाई डिसीजन सरप्लस या स्लैक वेरिएबल्स के दरमियान हो तो हम डिसीजन, अब इसमें ना थोड़ा सा उल्टा काम है,
इसमें हम पहले डिसीजन वेरिएबल को स्लैक और सरप्लस के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं अगर ये टाई दो डिसीजन वेरिएबल या दो सरप्लस या स्लैक वेरिएबल्स के दरमियान हो तो हम आर्बिट्रेरीली कोई भी चूज कर सकते हैं। देर इज नो चांस ऑफ गेटिंग अ टाई विद आर्टिफिशियल वेरिएबल सिंस दे आर सिलेक्टेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ इन बेसिस ऑफ इनिशियल टैबलस। वो कहता है ये ऑलरेडी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स तो हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके होते हैं, ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे बेसिक वाले बेसिक वेरिएबल में होते हैं तो इनको चूज करने का तो सवाल ही नहीं उठता कि ये बेसिस में एंटर हो, ठीक है, क्योंकि आपको याद हो तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जब आप बनाते हो तो आप हमेशा आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को रखते हो, ठीक है, पहले कि वो पहले टेबलों में आए, ठीक है, तो उनको चूज करने का उनको इनकमिंग आने का तो चांस ही नहीं, ठीक है। तो बाकी रह गए डिसीजन सर्कुलस और स्लैक के दरमियान, तो वो यहाँ पे बता दिया है कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमने डिसीजन वेरिएबल्स को देनी है, सेकंड प्रेफरेंस हमने अगर दोनों एक साथ यानी एक ही टाइम पे हमारे पास आ जाएं कि एक ही टाइम में हमारे पास आ गए हैं तो फिर स्लैक भी दो दफा आ गया तो फिर आर्बिट्रेरी, ठीक है, फिर आर्बिट्रेरी भी चूज करेंगे कि हम कोई सा भी एक चूज करें। उसके बाद हमारी एक स्पेशल टाइप के रिस्ट्रिक्ट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स की वजह से भी रिस्ट्रिक्शन का ऐसे वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जो ना तो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, इनके बारे में हम कोई भी बात नहीं कह सकते कि ये आया जीरो है पॉजिटिव है नेगेटिव है और जीरो है, हमारे पास कोई डिसीजन नहीं है इनके बारे में, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनके बारे में हम कुछ सपोज या कुछ डिसीजन ना दे सकें कि वो नॉन नेगेटिव है कि नॉन पॉजिटिव है कि जीरो है, ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड यानी उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन बात समझ आ रही है। उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन जब रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो जाहिर बात है फिर तो हमारे लिए काम खराब है कि हमें तो रिस्ट्रिक्टेड होता है कि हमारे पास जो हम सिंपलेक्स मेथड चूज करते हैं सिंपलेक्स मेथड में हमारे पास जो कंडीशन होती है कि उसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड होता है कि हमारे डिसीजन वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होते हैं दैट मीन्स के पॉजिटिव होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि हम ले लेते हैं हम कहते हैं कि हम जो भी वेरिएबल रिस्ट्रिक्टेड होगा हम उस रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को फॉर एग्जांपल अगर x1 है तो उसको हम x1 प्राइम माइनस x1 डबल प्राइम में इक्वल लिख देंगे जबकि हमारे पास गिवन होगा कि x1 प्राइम और x1 डबल प्राइम दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। यानी हम उस एक अनरिस्ट्रिक्टेड वाले को दो वेरिएबल्स के साथ रिप्लेस करेंगे यानी दो नए डिसीजन दो नए वेरिएबल्स के साथ उनके डिफरेंस के साथ रिप्लेस करेंगे जिनके बारे में हमें कंफर्मेशन होगी कि जो दोनों के दोनों जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू यानी नॉन नेगेटिव है, ठीक है, जो दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव हैं। तो अनरिस्ट्रिक्टेड की वजह से जो आ रहा था उसको सॉल्व करने के लिए हमने जी के मेथड लगा लिया। उसके बाद इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स में भी सेम कि व्हेन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ वो कहते हैं इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स में भी हमारे पास दो टाइप के कॉन्स्टेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा आपको एक बात याद होगी अगर आपने कभी पढ़ी होगी जब आपने इक्वालिटी प्रूव करनी होती थी तो आप प्रूव कर देते थे लेस देन इक्वल टू है या फिर ग्रेट इक्वल टू इक्वल है क्योंकि दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते, याद है? यस मैम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज को हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा इक्वालिटी टाइप कॉन्स्टेंट होगा उसे हम लेस देन इक्वल टू टाइप और ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब कन्वर्जन के साथ इसके साथ अगर हम सोल्व करें तो एट द एंड हमें वही चीज ही मिलती है जो हमें किसी जो हम आर्टिफिशियल अगर आपको याद हो तो आपने कहा था कि हम इक्वालिटी के साथ आर्टिफिशियल क्यों लगा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे उसकी ब्रीफनेस
ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया कि अगर हम इक्वालिटी को लेस देन और ग्रेटर देन में चेंज करें तो दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस बनेंगी। ये देखें, ग्रेटर देन आ रही है तो उसमें हमारे पास सरप्लस भी लगेगा और आर्टिफिशियल भी लगेगा कि उसकी नेगेटिविटी खत्म हो, सेकेंड में सरप्लस लगेगा। जब दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो दोनों की वैल्यूज को एड कर दो, दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास जो वैल्यूज बनती है, ठीक है, हमारे पास फर्दर x प्लस एक x की वैल्यू k को हम रिटर्न कर सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास k आती है। और जब हम इसे समराइज करते हैं टेबल के साथ तो हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास अगर अवेलेबिलिटी कॉन्स्टेंट है तो उसे हम सप्लाई या अवेलेबिलिटी कॉन्स्टेंट उसमें स्लैक ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो उसमें हम सरप्लस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल ऐड करेंगे, और अगर हमारे पास एग्जैक्ट कॉन्स्टेंट है तो हम उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे, ठीक है। अब इनको अगर हम मजीद देखें तो फर्दर 14.3 में अनरिस्ट्रिक्टेड की एक एग्जाम्पल कर रहा है। अनरिस्ट्रिक्टेड वाला x3 था तो उसको वो एक्स टू था तो एक्स टू की जगह एक्स टू प्राइम और एक्स टू डबल प्राइम ले आया और सारा सब अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी और सारी कॉन्स्टेंट इक्वेशन को भी फर्दर उन्हीं वेरिएबल्स के फॉर्म में रीराइट किया। अब देखिए तो एक्स थ्री हमारे पास लेस देन इक्वल टू जीरो है तो इसे भी तो हमने ग्रेटर देन बनाना है, तो इसकी जगह हम बेसिकली माइनस एक्स थ्री ला रहे हैं, एक्स थ्री प्राइम इंट्रोड्यूस करते हैं जो इक्वल होता है माइनस एक्स थ्री के, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स थ्री की जगह अब माइनस एक्स थ्री प्राइम से जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास सारी की सारी कॉन्स्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिवाइज हो जाएगा। फिर जब हमारे पास ये रिवाइज फंक्शन आ जाएगा तो इस रिवाइज फंक्शन के अकॉर्डिंग अब हम फर्दर सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। बाकी सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने का तरीका सेम है और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। जी मैम काफी है। मैम ये पीडीएफ सेंड कर देना हमें। हाँ जी पीडीएफ में कंप्लीट कर दूँ, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ और आपने देखा होगा पेजेस भी ऊपर नीचे हैं, तो जैसे मैं ठीक करती हूँ ना फिर मैं आप लोगों को देती हूँ। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने अपने अटेंडेंस मार्क कर लो, 5:30 से पहले जिसकी आएगी उसकी एक्सेप्टेबल होगी, टाइम के बाद जिसकी आएगी उसकी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आवाज कट रही है, आप टेक्स्ट मैसेज भेज दो बच्चे, आपकी आवाज कट रही है। तो आपकी बुक दी हुई है ना, मैं आपको भेजूंगी, आप उसको पढ़ के देखिए, तो अगर फिर भी क्वालिटी के हवाले से वो समझ ना आए तो फिर बताइए।
दस मिनट रह के मैं किसी और को एडमिट नहीं कर रही सेशन में, ठीक है? हाशमी आपने लेक्चर रिकॉर्ड किया? जी जी मैम, लेक्चर रिकॉर्ड किया मैम, आवाज थोड़ी आ रही। कौन सा क्वेश्चन? मैं पूछ रही हूँ लेक्चर रिकॉर्ड किया आपने? यस मैम, लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया मैंने। ठीक है, ग्रुप में भेज दीजिएगा। ओके मैम। सीआर पिछले वाला लेक्चर भी जीआर से भी शेयर कर लिया करो। मैम मैं करता हूँ तो शेयर। अच्छा चलो, बस मीटिंग एंड करते हैं। बाकी इसी को बैठ के देखो। मैम एक बात पूछ रही थी मैम, वो ना जो सियार भाई ये कह रहे थे कि जो हमारे असाइनमेंट वगैरह हैं उनकी मेमोरी ना बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो हम क्या हम सॉफ्ट में बना कर दे दें? जरूरी तो नहीं हम हार्ड में बनाएं। ओके मैम, मतलब किस तरह से ज्यादा हो रही है? ठीक है, ओके मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।